अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देख रहे हैं आप मेरा 14 व्लॉग शक्कर में। और सीन ये है कि शक्कर हो जाता है स्टैम्प पूरा बंद। देख रहे हैं जैसे कि आप पीछे खाली हम लोग ही घूम रहे हैं बाहर। और सामने हम लोगों ने एक बाइक करी है अरेंज। हमने बोला यार हम शक्कर को घूमेंगे, बना देंगे कराची, क्योंकि हम तो रातों में बाहर घूमने वाले लोग हैं। हम लोग मतलब क्या अभी शो भी गया अंदर पैसे निकालने, तो उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे बहुत मशहूर है घंटागढ़, जहाँ पे आपने इससे पहले हमारा व्लॉग देखा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं घंटागढ़, वहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें खुली हुई होती हैं 3-4 बजे तक। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे हम खाएंगे बहुत सारी चीज़ें, जो भी मिलेगा खाएंगे, भर लेंगे पेट, भले पेट भरा हो लेकिन मन मन की खाएंगे। ये तो पूरा डकैत लग रहा है कसम से। जो भी गया इस वक्त अंदर पैसे निकालना, MAE की बैंक मिला। और आप देख रहे हैं कितना सन्नाटा हो रहा है कराची में। ये सन्नाटा होता है रात के, बल्कि कराची में सन्नाटा होता ही नहीं, कुछ जगहों पे सन्नाटा होता है 4 बजे के बाद, वरना पूरी आवाम बाहर होती है। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ। और ये है वही वाला घंटाघर जहाँ पे हमने इससे पहले वाला व्लॉग बनाया था। और हम लोग फिर घूम फिरा के यहीं आ गए, क्योंकि शक्कर में यही जगह है जो इस टाइम पर खुली हुई होती है। और अभी नहीं खुली हुई, लेकिन थोड़ी सी आगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर हम बैठ के अपनी रात गुजार सकते हैं। वही अभी हम लोग जो पहुँचे हैं घंटाघर पे, हमें एक फूड स्ट्रीट मिली है यहाँ पे, जूस वगैरह आइसक्रीम वगैरह है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो है इस टाइम पे सब बंद हो चुका है कराची में। इस टाइम पे जो है लोग निकलना शुरू होते हैं बाहर, तो अभी हम बैठेंगे यहाँ। पिस्ता शेक नहीं पीऊँगा मैं, कुछ केला भी लेगा, बनाना भी लूँगा, एक बनाना कर दीजिए। कराची आइसक्रीम है, जब भी यहाँ आता हूँ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं। आइसक्रीम फालूदा बहुत टेस्टी मिलता है, ये लोग आए तो इनको ट्राई करा रहा हूँ। शक्कर का पैसे दे रहे हो ना, जब अच्छा लग रहा है। तो भाई टेस्ट में कोई इतना फर्क नहीं है, बल्कि और अच्छा है यहाँ का शायद, मुझे लग रहा हो, या तो भूख लग रही है ना, जब भी क्या पता अच्छा लग रहा हो। टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, खानों में बहुत फर्क है, पानी में फर्क है, और आइसक्रीम और शेक वगैरह में कोई फर्क नहीं है। अभी हम जाते हैं कुछ और खाते हैं, उसमें बताते हैं आपको कि उसमें फर्क है या नहीं है। भाई शक्कर में देखें आप, कराची आइसक्रीम के नाम से उन्होंने खोला हुआ। और देखिए कराची का नाम कहाँ का चल रहा है, और कराची की चीज़ें बहुत मशहूर है, इसका मतलब जब भी लोग यहाँ पे आते होंगे यार कराची आइसक्रीम। तो अभी हम लोग चलते हैं कहाँ, फास्ट फूड की तरफ। मुझे ना बीफ बर्गर खाने का बहुत दिल कर रहा है, और मतलब मेरा तो रोज़ कराची में बाहर होता है खाना, तो मतलब यार आज करते हैं कुछ बाहर के ही खाते हैं। और बिरयानी खाने का भी दिल कर रहा है, तो हम कल दोपहर में बिरयानी खाएंगे, लेकिन अभी मुझे खाना बीफ बर्गर है, तो अभी हम वहाँ जाएँगे। मैं जैसे कराची में जो है फूड स्ट्रीट कहलाती है, तो बंस रोड जो है यहाँ पे, समझे ये घंटागढ़ वाला रोड है, इसके साथ में ही फूड स्ट्रीट बनी हुई है। बहुत सारे इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उल्टे हाथ पे सारी शॉप्स वगैरह जो हैं, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो बंद हो चुके हैं। और रात के टाइम निकले हम लोग, लोग कहते हैं यहाँ पे 12 बजे सब बंद हो जाता है, मैंने सुना था 2-3 बजे तक तो खुला हुआ होगा शायद। तो यहाँ पे बस एक जो रेस्टोरेंट है जो ज़्यादा चलते हैं वही खुले रहते हैं रात तक, तो बाकी तो सब बंद हो चुका है। भाई यहाँ पे इतने खूबसूरत जानवर घूम रहे होते हैं ऐसी बीच रोड पर, हमारे मंडी में इसके रेट होंगे भी 1.20-1.30 ऐसे घूम रहे। शाम में अगर आपने पुराना मेरा व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखें, यहाँ पे शाम में इतना रश था, और अभी देखें बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है। जगह जगह पे ना उबले हुए अंडे वाले खड़े हुए होते हैं, तो हमें दिखा एक उबले हुए अंडे वाला। तो भाई ये यहाँ के सीन्स हैं रात के, क्योंकि सर्दी यहाँ पे इतनी होती है, तो उबले हुए अंडे हैं भैया, उसके ऊपर हम डालेंगे काली मिर्च। अंडे वैसे खाने भी चाहिए सेहत में। वाह
हाय हाय भाई, सर्दी में उबले हुए अंडे क्या कहना चाहेंगे? मजा VIP मजा, अंदरूनी गर्माइश लगी है, समझ रहे हैं ना आप? भाई फ्री घूम रही है यहाँ पे, ये हमारी बहुत पसंद की गाड़ी है। देखते हैं हम क्या मिलता है आगे पीछे से। मैंने बीफ बर्गर और इधर एक और चीज़ ज़्यादा बिक रही है, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा देखते हैं कहाँ है। और शो भी हमारे लिए देखने के बीफ बर्गर, क्योंकि बीफ बर्गर खाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है। ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया। ये है कि हमें जहाँ भी साउंड दिखता है ना हमारी बॉडी हिलने लगती है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम रिहर्सल करी है, शादी लिपटाई है, जहाँ भी साउंड देखो ये बॉय। तो भाई यहाँ पे जो गायें वो ऐसी घूम रही होती हैं। हमारी तरफ इनको बांध के रखते हैं और ये यहाँ पे ऐसी घूम रही है, यहाँ पे ऐसी घूमती रहती हैं। अच्छा ये ऐसी खुली रहती हैं यहाँ पे, अच्छा है कि इनका मालिक इधर ही घूम रहा होता है और यहाँ पे ऐसी रोड पे घूम रही होती है बहुत सारी गायें। लाल टंकी वाली बाइक पे घूम रहे हैं और इससे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तुम चमन प्रकाश पियो जाओ यार, हम लोग घूम रहे हैं थ्री इडियट की तरह। गाजर का हलवा ढूंढ रहे हम लोग, गाजर का हलवा नहीं मिल रहा है, शायद ख़त्म हो चुका है। अगर ख़त्म हो चुका होगा तो ब्लॉग को एंड कर देंगे, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। भाई एक हमें अभी रेस्टोरेंट दिखा है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बीफ बर्गर, क्योंकि बीफ बर्गर खाने का बड़ा मन हो रहा है। तू भी पूछ क्या? वो जर्मन शेफर्ड भागता हुआ जा रहा है। भाई मिल गया। बीफ बर्गर जो है यहाँ पे भी नहीं मिला है, और यहाँ पे जो हमें मिला है वो है चिकन बर्गर। चिकन बर्गर से काम चलाना पड़ेगा। और अभी आपको क्या लेना है? मुझे मेडिकल जाना, मेडिकल जाना, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। और क्या पता कल व्लॉग बनाए या ना बनाए, अब डायरेक्ट बनाएंगे थक्कर से कराची का व्लॉग। बर्गर जो है आ चुका है, ये लोग घर से खाना खा कर रहे हैं, जब इसको भूख नहीं लगी। खाना मैंने भी खाया हुआ था, लेकिन मेरे एक दिल में एक वो था वह। अब हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं, इसके दवाई लेने के बाद व्लॉग को एंड कर देंगे। और बस ये शायद आखिरी थक्कर का व्लॉग हो हमारा। यार कोई मेडिकल खुला होगा करीब में, जो है बर्गर वगैरह खा लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिकल। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।